शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से जिस रिश्ते में मेरे लिए प्यार था, भरोसा था, एक उम्मीद थी, तुमने उन्हीं पलों की तस्वीर खींच के उन्हें गंदा कर दिया है कुनाल। उन्हीं तस्वीरों को दुनिया को दिखाने की धमकी दे रहे हो। तुम इतना गिर जाओगे ना, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे ना खुद से घिन आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान पर भरोसा किया। कुनाल, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? अपने घर वालों से झूठ बोला, भाभी से झगड़ा किया, भाई को धोखा दिया, उनका विश्वास तोड़ दिया सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। मैं कोस थी उस दिन को जब मैं तुमसे मिली, मैं कोस थी उस पल को जब मैं तुम जैसे से प्यार कर बैठी। जाने मन, प्यार कम वक्त चीज ही ऐसी है। देख, मुझे तेरे घर आना पड़ता, पर देख तुझे यहाँ खींच लाया हमारा प्यार और उसका सबूत। कुनाल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, प्लीज प्लीज ये फोटोज डिलीट कर दो, प्लीज कुनाल। अपने प्यार का सबूत मैं खुद मिटा दूं तो ही नहीं सकता। कुनाल, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, हमारी दुकान जल गई है, भैया के पास जॉब नहीं है, घर में ऑलरेडी बहुत सारी तकलीफें हैं। मैं अपने घर वालों को और तकलीफ नहीं देना चाहती, प्लीज समझो। मैं हाथ जोड़ रही हूँ आगे, प्लीज प्लीज कुनाल, मेरे परिवार को और तकलीफ मत दो। ये फोटो मुझे दे दो। हाथ छोड़ो। तेरे प्यार की इतनी आदत हो गई है ना मुझे कि ये हाथ छोड़ा ही नहीं जा रहा। एक मिनट यार, तुम मुझे छोड़ के चली गई थी ना तो मैं नाराज हो गया। एक मिनट रुक जाओ, आराम से लग जाएगी, वरना मैं तुमसे ऐसे तू तड़ाक कभी ना। सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। एक और झूठ, और कितना झूठ बोलोगे कुनाल? बस, बहुत खर्चा कराया तूने, समझी? तब तो लपक लपक के ले रही थी सब, अब झूठ झूठ चिल्ला रही है। तू सिर्फ मेरी, समझे? ये फोन दो कुनाल। फोन छोड़। कुनाल फोन छोड़ो। आरती छोड़ो फोन। कुनाल। मामी। सारे फसाद की जड़ में तूने टांग अड़ाई और ये मेरी बाहों में आई। तू आई, मैंने कुछ नहीं किया, देख जो किया तूने किया। आरती छोड़ो आरती को। चुप जा। मैं तुझे आरती की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। फोन छोड़, कह रहा हूँ फोन छोड़, छोड़ मेरा फोन। फोन दो कुनाल, फोन छोड़ो। भाभी से फोटोज है मेरी। भाभी, कुनाल हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? फोन दो, आपकी फोन छोड़, मेरी फोटोज है इसमें। आरती, Thank you.
जल्दी फोन दो। आरती को बचाने के बजाय तो उसकी जिंदगी और मुश्किल में डाल रही है श्रद्धा। अगर ये मेरी नहीं हुई ना तो इन तस्वीरों को पूरा कानपुर बड़े पोस्टर पे देखेगा। ना फोन दे, फोन दे। मुंह खोलोगी? इसने अपनी परवाह नहीं की और तुम्हें बचाया। इसके चरित्र पे सवाल उठ रहे हैं आरती। जवाब दो, सच बताओ, सच बताओ कि सच क्या है? बोल सच क्या है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन सब में भाभी की कोई गलती नहीं है। भाभी मुझे माफ कर दो। भाभी मुझे पता है मैंने क्या किया है। मेरी वजह से आपको ना जाने क्या क्या। जो कुछ भी हुआ है सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। वो कुनाल भी मेरा ही दोस्त है। भाभी ने तो मुझे कितना समझाया था, कितनी बार बोला कि वो कुनाल अच्छा इंसान नहीं है, वो खराब है। मैंने उनकी एक बात भी नहीं मानी। मैं फिर भी उससे मिलने गई। उन्होंने मुझे रोकने की कितनी कोशिश की कि मैं उससे ना मिल पाऊं, पर मैंने उनके साथ बदतमीजी की। मैंने झूठ बोला उनसे, लड़ाई की मैंने उनसे, आप सबका भरोसा तोड़ दिया मैंने। और आज जब वो कुनाल, उसने मुझे धमकी दी, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो भी भाभी ने आके मुझे बचाया। मैं ये साबित करके रहूंगी अब है कि आप गलत हैं। वो लड़का आरती का दोस्त है और आरती को रोकने के लिए मुझे वहां उस लड़के से जाकर मिलना पड़ा। श्रद्धा, सच सारा दिन तक छुप कर नहीं रह सकता है। और जिस दिन ये झूठ का पर्दा आपके सामने चीरता हुआ आया ना अब है, उस दिन सबसे ज्यादा अफसोस आपको आपके विश्वास पर होगा।
श्रद्धा रुको। माफ कर दो मुझे। सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए ना अभय, क्योंकि क्योंकि आपने मुझसे माफी मांग ली है, मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए। आपने मेरे साथ किस तरह का बर्ताव किया, कैसे भूलूं मैं उस बात को? इतने दिनों तक आप मेरे चरित्र पर उंगली उठाते रहे, मैं इस बात को कैसे भूल जाऊं अभय? और अभी आपने मुझसे माफी मांग ली, क्या क्या भूलूं मैं आपके इस एक माफी से? मैं क्या क्या भूल जाऊं? श्रद्धा, मैं जानता हूं हमारे बीच में बहुत गलत फहमियां हुई हैं, मैंने बहुत गलतियां भी की हैं, पर मैं अब हमारे बीच सब ठीक कर दूंगा। बस अभी तो मेरे साथ घर चलो। अब मैं आपके साथ घर वापस नहीं चलूंगी। और क्यों जाऊं मैं? क्या वजह है मेरी उस घर वापस जाने की? बताइए ना, मैं क्यों जाऊं? वहां जिस घर में मेरे पति को मेरा चेहरा तक बर्दाश्त नहीं होता। जिंदगी में 7 दिन भी बहुत होते हैं, और ये 7 दिन मैं तुम्हारा ये भोला भाला चेहरा नहीं देख सकता। तुम्हारा मेरे साथ इस घर में कोई रिश्ता नहीं। उस घर में जहां एक कमरे में पति को मेरे साथ सांस लेने में घुटन महसूस होती है, उस घर में मैं आखिर क्यों जाऊं? दबाओ जो यहां से। भूल गए आप कैसे एक एक दिन गिनवा रहे थे आप मुझे कि कब मैं उस घर से जाऊंगी, और आज जब सच आपके सामने आ गया है तो आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि श्रद्धा घर चलो। एक आदमी जब माफी मांगता है ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन एक औरत, औरत को हर बार अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ती है। सिर्फ सच बोलना काफी नहीं होता है, इसीलिए ना, क्योंकि भरोसा करना मर्द की फितरत में ही नहीं होता।
झूठ का पति ही उससे सच्चाई का सबूत मांगेगा। औरत उसे तो अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। कम से कम चरित्र के नाम पर तो भेदभाव ना हो। जब एक आदमी गलती करता है और उसके बाद माफी मांग लेता है तो उसे पूरा हक है नाराज होने का। लेकिन यही अगर एक औरत अपनी सच्चाई सबके सामने जोर जोर से चीख चीख कर भी अगर कहे ना तो सब उसे यही कह देते हैं कि ये देखो ये तो नाटक कर रही है। अरे अब हमें एक औरत होने के लिए भी माफी मांगनी पड़ेगी क्या? जब एक रिश्ते में दो लोग रह रहे होते हैं तो फिर इज्जत सिर्फ आदमियों को ही क्यों मिलती है? औरतों को भी इज्जत मिलती है लेकिन वो तब जबकि वो पहले घर के हर एक सदस्य की इज्जत करे। तब शायद जाके शायद बदले में उसे इज्जत मिलती है। आप ही लोग बताइए ना ये ऐसा नियम क्यों है? हाँ जानते हैं अभय, एक पति पत्नी का रिश्ता किस बुनियाद पर टिका होता है? भरोसे पर। और हमारे रिश्ते में भरोसा ही नहीं है तो फिर हमारा ये रिश्ता कैसा? हमारा रिश्ता तो खत्म हो गया ना अभय। हमारे बीच जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो किस हक से जाऊं मैं आपके साथ घर? श्रद्धा बेटा आप कह रहे ना हमारी बात सुनो तुम। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए पर मैं आप लोगों के साथ घर वापस नहीं चल सकती। अगर मैं वहां गई तो मुझे अपने आत्मसम्मान को कुचल कर वहां जाना पड़ेगा और अब मुझसे ये नहीं होगा। मैं अब अपने आगे की जिंदगी खुद से नजर मिलाकर जीना चाहती हूं, उनकी नजर में गिन कर नहीं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। मम्मी प्लीज मत जाइए। मम्मी रुक जाइए प्लीज। आप हमें छोड़ के मत जाइए। प्लीज मत जाइए। हमारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ है बेटा। पापा आप ही ने हमेशा से सिखाया है ना कि किसी भी रिश्ते में प्यार से ज्यादा भरोसा की जरूरत होती है। मेरे और अभय के बीच अब भरोसा ही नहीं रहा तो हमारा रिश्ता भी खत्म हो गया ना पापा। मैं अब उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। ओह गॉड